हमारी दुनिया में कई सारी अजीबोगरीब व रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खौफनाक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका इतिहास रूह कपा देने वाली है। फ्रेंच कैटकॉम्ब्स नामक यह जगह फ्रांस में है। इस जगह में 60 लाख कंकाल रखे गए हैं। कैटकॉम्ब्स के इतिहास की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। सन 1785 में यहाँ भारी संख्या में लोगों की जाने गई थी। इस दौरान शहर में मुर्दों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक बार यहाँ लगातार बारिश होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाशें कब्रिस्तान से बाहर निकलकर सड़कों पर आने लगीं। ऐसे में शवों को एक सुरंग में डाला जाने लगा। यहाँ एक ही कब्र कह जगह में दूसरी जगहों से लाशें लाकर भरे जाने लगे। इस जगह का निर्माण इंसान की हड्डियों और खोपड़ियों से बनी करीब 2.2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। पेरिस में यह जगह जमीन से लगभग 20 मीटर की गहराई में स्थित है। इसे कब्रों का तहखाना कहकर बुलाया जाता है। अब यह जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इस पूरी सुरंग में घूमते हुए एक अजीब से एहसास का अनुभव होता है। हालांकि करीब 800 हेक्टेयर में फैली इस सुरंग के कुछ हिस्सों में भी घूमने की इजाजत है। यह जगह इस कदर चर्चित है कि यहां हर साल तकरीबन 5 लाख सैलानी घूमने के लिए आते हैं।